उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। ऊखीमठ से केदारनाथ की उत्सव टोली रवाना हुई तो मुखवा से मां गंगा की डोली। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के पट भी खुल गए हैं। अक्षय तृतीया पर चार धाम यात्रा शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री के पट खुल गए हैं। सबसे पहले दोपहर में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। गंगोत्री मंदिर को 11 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया। वहीं खरसाली से माँ यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, फिर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुले जाएंगे। अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से निर्धारित संख्या में दर्शन करने वाली पाबंदी को हटा दिया है। श्रद्धालुओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चार धाम की पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करवाई गई, क्योंकि वे चारों धाम और भगवान शिव के भक्त हैं। यमुनोत्री धाम से आज चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और इसके बाद आज गंगोत्री के कपाट खुलेंगे और फिर 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। आज यहाँ पर विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई है और यात्रा भी प्रारंभ हो गई। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। सभी आने वाले पूरे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यात्रीगण, हमारे सैलानी जितने भी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सब पर कृपा करें और इस यात्रा को पूरी बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। हम सब पर कृपा करें, हमारे राज्य पर और देश पर कृपा करें। उसको हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे अन्य स्टेशन हैं उन स्टेशनों पर व्यवस्थित करेंगे और कोई भी यात्री उत्तराखंड के अंदर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे तो सभी को दर्शन कराएंगे। इसीलिए जो कैपिंग की व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से चार धाम यात्रा का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है, हमने भक्तों के लिए हर तरह की सुविधा तैयार की है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए हेल्थ एटीएम यात्रा रूट पर लगाए गए हैं, इससे श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलेगी। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली गद्दी स्थल ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार पूजा अर्चना के बाद डोली ने पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया। ये डोली फाटा गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 25 अप्रैल को प्रातः बाबा केदार के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।